नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सीएम धामी ने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य चंदनराम दास के निधन पर दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री चंदनराम दास के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदनराम दास के आकस्मिक निधन पर दुख प्रकट किया है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चंदनराम दास जी की देहांत का बहुत दुखद समाचार है। हमारे परम मित्रों में और शुरू से ही जिनके मन के अंदर गरीबों की सेवा करना, गरीब का सोचना ये लक्ष्य रहता था, अस्वस्थ थे, लेकिन कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक था और उन्होंने पार्टी के सभी कार्यक्रमों में, सरकार के कार्यक्रमों में अपना आना जाना प्रारंभ किया था। विश्वास भी नहीं होता कि आज हमारे मध्य नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उनकी कमी सदैव हमें अखरेगी और मुझे विश्वास है कि समाज में ऐसे लोगों के प्रति जो भाव रहता है वो भाव आज उनके सारे समर्थकों के मन में है। समर्थक दुखी हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी ओर से उनके प्रति सदैव श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जिसमें मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाने का काम किया जा रहा है। इस बार सुबह 7:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। धाम में कपाट खोलने की तैयारियों को लेकर मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैथुरा ने। इस धरती पर अगर कहीं वैकुंठ है तो वो वैकुंठ से बद्रीनाथ धाम में है और बद्रीनाथ धाम के कपाट कल सुबह 7:10 पर खुल जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए अगले ग्रीष्म काल में श्रद्धालु यहीं पे पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंदिर में किस प्रकार से इस बात तैयारियां हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर कुमार जी, उनसे बातचीत करते हैं। जी, इस बार धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियाँ आपकी बार रखी गई, कितने फूल लगाएंगे और किस तरह से पूजा अर्चना होगी? देखो, भगवान बद्री विशाल के कपाट कल सुबह खुलने जा रहे हैं 7:15 और सभी तैयारियां भगवान बद्री विशाल की यहाँ पे पूर्ण हो चुकी हैं। जैसे कि अभी मंदिर की सजावट वगैरह सब फूलों से हो रही है। रावल जी यहाँ पे पहुँच गए, भगवान कुबेर जी की डोली यहाँ पे पहुँच चुकी है, उद्धव जी की डोली यहाँ पे पहुँच चुकी है और तो कल सुबह 7:30 यहाँ भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। मैं सभी सनातन धर्मियों से अनुरोध करूँगा कि आप लोगों के स्वागत के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति तत्पर है और सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर जैसे बिजली पानी सभी की लगभग हो चुकी, श्रद्धालु यहाँ पर भारी मात्रा में आने लगे हैं, सभी का स्वागत यहाँ पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से करते हैं। एक दूसरी बात, जो आपकी बात परिस्थितियाँ हैं काफ़ी भिन्न है क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा, पल पल में बदलता है। केदारनाथ में भी हम लोगों ने देखा था बर्फबारी, यहाँ पर यहाँ भी क्या कुछ इस पर क्या मौसम है, कुछ दिक्कतें आई हैं? नहीं, देखो केदारनाथ की जरा कुछ विषम परिस्थिति, मगर यहाँ पे जो है ऐसी परिस्थिति है नहीं। थोड़ा दिन कुछ दिन बर्फ़ पड़ने की वजह से थोड़ा सा ऐसी दिक्कतें आ गई थी, मगर अभी सारी व्यवस्थाएँ सब सुचारू हो चुकी, प्रशासन भी अपनी तरफ से पूर्ण रूप से लगा हुआ है। दादा, जो डोलियों का आने का था कि कब तक पहुँचेंगी, क्या कुछ रहेगा? डोलियाँ देखो, जैसे कि कल डोली भगवान की नरसिंह मंदिर से चली थी पूजा अर्चना के बाद, कल पहले दूसरे पड़ाव पांडुकेश्वर में रुकी थी, आज ठीक 10:30 भगवान की डोली पांडुकेश्वर से चल के बद्रीनाथ पहुंच चुकी है और सभी लोग यहां पे व्यवस्थित ढंग से अपनी डोलियां यहां पे रखी और कल सुबह का सभी को इंतजार है। श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे आपके पास श्रद्धालुओं से ताकि सभी के दर्शन भी हो सके, किसी को परेशानी भी हो? देखो, श्रद्धालु तो लोग आएंगे और जितने भी आएंगे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति तत्पर से सभी को दर्शन करके संतुष्ट करके सबको यहाँ से अपने घर के लिए विदा करेंगे। धन्यवाद। ये थे मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंदिर समिति इस बार तैयार है, जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो श्रद्धालु पूरी तरीके से दर्शन कर पाएंगे, हर व्यक्ति के लिए दर्शन की पूरी सुविधा के लिए मंदिर तैयार। कुछ परेशानियाँ जरूर रही है मौसम के चलते, लेकिन मंदिर की सजावट के साथ जो धाम के कपाट खोलने की जो प्रक्रिया है उसकी भी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। कैमरामैन हसनैल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम के प्रति आस्था देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है।
और यही वजह है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए इस बार चार धाम यात्रा पर देश और दुनिया के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इन्हीं श्रद्धालुओं के बीच में ऐसे साधु संत भी हैं जो कई दिनों की यात्रा करके बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। इंडिया वॉइस के संवाददाता अभय कैथरिया ने ऐसे ही साधु संतों से बातचीत की जो पिछले 56 दिनों से एक दिन पहले उत्तराखंड के चार धामों में से एक बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। हालांकि इस मौके पर करीब 18,000 लोगों ने बाबा के दर्शन किए, लेकिन कपाट खोलने के समय शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को प्रोटोकॉल ना होने का हवाला देते हुए दर्शन से रोके जाने से धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में रोष है। संतों ने इस विषय पर एक बड़े आंदोलन की बात भी कही है। हरिद्वार, आपको बता दें, संतों में रोष है। जो शंकर जी के अवतार हैं, जिनको हम भगवान शंकर का स्वरूप शंकराचार्य जी महाराज को मानते हैं, ज्योतिपीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर जी महाराज श्री वहाँ दर्शन के लिए केदारनाथ जी दर्शन के लिए गए थे, उनको दर्शन करने से रोका गया, कुछ देर के लिए रोका गया, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारी संस्कृति और क्या हो सकता है। जो साक्षात भगवान का स्वरूप शंकर का स्वरूप वहाँ विराजमान है, तो उनको दर्शन से वंचित रखना तो इस धर्म क्षेत्र में देवभूमि पे तो शंकराचार्य जी का अपमान है। धार्मिक प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य हमारे देश के, हमारे धर्माचार्य के सर्वोच्च सत्ता, धर्म की सत्ता है। देखिए, मैं भारत साधु समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते ये कहना चाहता हूँ, चाहे राज्यों में सरकार हो भाजपा की, चाहे वो केंद्र में है, वर्तमान में यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जब भगवान केदारेश्वर जी के दर्शन करने गए और वहाँ पर समाधि स्थल पर गए, वहाँ पर ना कोई सफाई की गई और ना किसी तरीके की उचित व्यवस्थाएं की गई। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस समय वर्तमान में चल रहा है कि पूज्य शंकराचार्य जी को भी प्रोटोकॉल दिखाते हुए दर्शन ना कराना, यह एक बहुत बड़ा है। साधु समाज में इसका बहुत रोष है। यदि इसी तरीके से प्रक्रियाएं करते रहे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कैबिनेट मंत्री चंद्रराम दास के आकस्मिक निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चंद्रराम दास काफी सरल और सौम्य स्वभाव के थे। उनके आकस्मिक निधन पर समाचार काफी दुखद और पीड़ादायक है। चंदन राम दास जी का निधन की आज मैंने दुखद खबर सुनी। मैं बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ। सरल सौम्य स्वभाव के चंदन राम दास जी एक बड़े नेता थे, प्रदेश के बड़े नेता थे। हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। पर्सनली मैं उनको पिछले 5-7 साल से जानती थी। नए विधायक होने पर मैं उनके पास अक्सर कुछ सीखने जाती थी, तो बड़े प्रेम से, प्यार से वो मुझे चीज़ें बताते थे, मदद करते थे, तत्पर रहते थे मदद करने में। कई बार उनके आवास पर भी मैं बागेश्वर पहुंची हूँ। आज उनके निधन के बारे में सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें वो अपने श्री चरणों में जगह दें और उनके पूरे परिवार को इस दुखद घटना को सहने की शक्ति दें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चंदन राम दास के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रदेश के मंत्री श्री चंदन राम दास नहीं रहे, ये जानकर के अत्यंत दुख हुआ। श्री दास एक सुलझे हुए राजनेता थे, एक गरीबों के लिए, दलितों के लिए काम करने वाले नेता थे। जैसा नाम वैसा ही काम। उनका नाम चंदन था और वे चंदन की तरह सबको सुख देते थे। उनके जाने से प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं।
अब 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। उसके बाद उत्तराखंड में पवित्र चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अक्षय तृतीया से शुरू हुई इस यात्रा के बाद अब तक 4 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। देखिए, इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की है, और अभी मैंने देखा भी कि स्वास्थ्य सचिव ग्राउंड जीरो में जाकर के वहाँ पर जायजा ले रहे थे सब चीज़ों का। और जो मौतें हुई हैं उनमें जो मौतें हुई हैं वो मेडिकल उनका ग्राउंड रहा है, इसलिए वहाँ पर मौतें हुई हैं। ठंड भी बहुत है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएँ और घटित ना हो, इस सब चीज़ों को लेकर के सरकार ने मुस्तैदी से अपने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया है। आने वाले समय में चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है, चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे उनका रहने की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पर दर्शन की व्यवस्था हो, चाहे ट्रैवलिंग की व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर सरकार की पैनी नज़र है। देखिए, दुर्भाग्य है प्रदेश का कि 4 दिन अभी बमुश्किल शुरू हुए हैं, चारधाम यात्रा को शुरू हुए और 4 यात्रियों की मौत हमने देख ली है। यदि यही प्रतिशत या यही दर रहा मौतों का तो अभी तो यात्रा लंबी चलनी है। इससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कलई खुलती है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे वो सब हवा हवाई दावे थे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री को फुर्सत नहीं दिखाई पड़ रही है कि वो चारधाम यात्रा की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले सकें। स्वास्थ्य सचिव वहां जाते हैं लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की प्राथमिकता चारधाम यात्रा नहीं कर्नाटक चुनाव दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में बार बार ये कहा जा रहा है कि गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन क्या स्वयं सिस्टम हमारा गाइडलाइंस का पालन कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। चारधाम यात्रा की स्पेशल कवरेज पर निकली इंडिया वॉइस की टीम ने ऑल वेदर रोड के कार्यों का निरीक्षण किया। ऑल वेदर रोड के कार्यों के चलते इस बार यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ परेशानियों का सामना तो करना पड़ सकता है, लेकिन ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं में उन्हें निजात मिल पाएगी। इंडिया वॉइस के कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ऑल वेदर रोड का काम जोरों पर है और यात्रियों को इस बार जाम की समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। रुड़की केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के चपेट में आने से यूकाडा के वित्त नियंत्रक अधिकारी अमित सैनी के घर पर पहुंचे गणेश गोदियाल। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने अमित सैनी के परिजनों से मुलाकात की। गणेश गोदियाल ने अमित सैनी के मृत्यु पर शोक जताया है। उत्तराखंड सिविल एविएशन विभाग के वित्त अधिकारी अमित सैनी के हादसे मौत के बाद अब विभागीय अधिकारियों को हेली कंपनी के लिए नियम और कानून बनाने की याद आई है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अधिकारी हादसे का इंतजार करते हैं, जब कोई घटना दुर्घटना घटित होती है तो उसके बाद नियम बनाए जाते हैं। जब कोई मौत हो जाएगी या कोई दुर्घटना हो जाएगी उसके बाद आप नियमावली बनाएंगे, कहां सोई थी सरकार अभी तक? आपका कहीं पर भी एयर सर्विस आप चला रहे हैं, कहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई सेवाएं चलेंगी चार धाम यात्रा में, उनकी कोई नियमावली नहीं आपके पास, कोई गाइडलाइन नहीं आपके पास, कोई गाइड नहीं आपके पास, कैसे उतरते हैं, कैसे चढ़ना है, कैसे क्या व्यवस्था होगी, क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे, किस तरीके से आप उसका उपयोग करेंगे हेलीकॉप्टरों का, कहीं कोई चीज नहीं है। सरकार की लापरवाही है, सरकार ध्यान कहाँ दे रही है, सरकार इतनी असंवेदनशील सरकार हमने आज तक नहीं देखी है। इतनी मौतें होने के बाद भी अगर सरकार नहीं जाग रही है तो मैं यही कहूंगा कि उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान राजकीय पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विदेश दौरे पर थे, तो इस बार यात्रा शुरू होने पर विभागीय मंत्री राज से बाहर हैं। कांग्रेस के नेता सतपाल महाराज की गंभीरता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा को लेकर सरकार मुस्तैद है, विभागीय मंत्री लगातार अपने विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि सतपाल महाराज यात्रा से दूरी के सवाल पर भी बचते हुए नजर आए हैं। पर्यटन मंत्री किसी भी रूप से गंभीर नहीं है, ना तो वो यात्रा के लिए गंभीर है, जबकि उनको यात्रा से लगाव होना चाहिए था। सारी दुनिया चारधाम यात्रा में उत्तराखंड आ रही है और हमारे पर्यटन मंत्री जिनको तीर्थाटन का विशेष महत्व भी पता है और जो जिनको यहाँ होना चाहिए, वो पिछले बार भी नहीं थे और इस बार भी नहीं है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं
को सुधारने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। देखिए, चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और चारधाम यात्रा का सभी जनप्रतिनिधि प्रदेश की सरकार उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं यात्रियों का। यात्रा मार्ग पर सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। सभी मंत्री अपने अपने विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, उनके विभागों के अंदर आने वाले सभी कार्यों को चाक चौबंद किया गया है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, ये यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, सरकार इस पर काम कर रही है और इस बार की यात्रा पूर्व में हुई यात्राओं से अधिक होने वाली है, ऐतिहासिक होने वाली है, इसलिए सरकार का ध्यान उस ओर है। किशोर उपाध्याय ने सोशल मीडिया में शारों शारों में हरीश रावत पर निशाना साधा है। हरीश रावत की तरफ से भी जवाब आया और हरीश रावत ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को भी सुनाया है। लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी है, जिसको लेकर सभी पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो वहीं बात करें तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आरपी रतूड़ी का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी है कि हम दमखम के साथ चुनाव में जाएंगे और अच्छे कैंडिडेट, कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर, जो उत्तराखंडियत को समझता हो, उत्तराखंड के दर्द को समझता हो, उत्तराखंड क्यों मिला था, क्या उसकी पूर्ति हो गई, ऐसे हम प्रत्याशियों को उतारेंगे कि जो उत्तराखंड का दर्द समझता हो। निश्चित तौर पर मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी 2024 का और उससे पहले नगर निकायों का चुनाव भी हम दमखम से लड़ेंगे। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को एक संगठित उद्योग की तरह बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार सकारात्मक पहल करने में जुटी है। इसी कड़ी में युवाओं को इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान पर फोकस किया जा रहा है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वंशीधर तिवारी ने बताया कि फिल्म टीवी प्रशिक्षण के लिए अल्मोड़ा के उदय शंकर नाट्य संस्थान परिसर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। देखिए, अल्मोड़ा में एक बहुत अच्छा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उदय शंकर नाट्य अकेदमी, और उसमें हम लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है और उस पर हम लोग एक समिति बना रहे हैं और जो FTII है उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण के कार्य बच्चों को देंगे। देखिए, उसमें भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, कुछ अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था उसमें करनी है और हम लोग एक जो हम कहें कि नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है और भारत सरकार के इंस्टीट्यूट है, निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों को फायदा। देहरादून नगर निगम उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, जिन्होंने कूड़ा उठाने का चार्ज कई महीनों से जमा नहीं किया है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि दून स्कूल समेत पैसिफिक मॉल से 3 लाख का जुर्माना वसूल किया गया है, लेकिन GMS ग्रैंड, दून दरबार समेत अभी भी बड़े बड़े नामी होटल, रेस्टोरेंट समेत कई ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अगस्त से लेकर अभी तक कूड़ा उठाने का चार्ज जमा नहीं किया है, जिनको नोटिस भेजा गया है और नोटिस का जवाब ना देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा और साथ ही अगर वह शुल्क जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माने की राशि भी बढ़ाई जाएगी। संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार रूपा मिश्रा की तरफ से मसूरी के गाड़ीखाने, MRF सेंटर, QR कोड सिस्टम और साउथ रोड स्थित STP यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ मसूरी IDH में कूड़ा कलेक्टिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मसूरी स्थित अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के कार्यों की समीक्षा की है।
ऊंचे ब्याज दर पर गैर कानूनी तरीके से लोगों को पैसा देने वाले सावधान हो जाएं। जिला पिथौरागढ़ पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। साथ ही आम जनमानस से अपील की है कि अगर आपसे आसपास कोई भी शख्स इस तरह का काम करते हुए पाया जाता है तो फौरन उसकी सूचना कंट्रोल नंबर 112 को दें। सितारगंज में जेल कैंप रोड पर दिन दहाड़े एक मजदूर की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी में वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक पीलीभीत का रहने वाला था, जो मजदूरी के लिए घर से निकला था। फिलहाल पुलिस हत्या की जांच में जुटी हुई है। मजदूरी के लिए घर से ये मृतक निकला था। मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 27 से लेकर 29 अप्रैल तक ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 26 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं। तो वहीं पहाड़ों में 27, 28 और 29 अप्रैल को मौसम और बिगड़ने का अनुमान है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने के भी आसार हैं। खबर लक्सर से है। हरिद्वार देहात क्षेत्र लक्सर और खानपुर क्षेत्र में सरकार की तरफ से खोले गए सरकारी गेहूं खरीद केंद्र केवल शोपीस बने हुए हैं। केंद्रों पर ना तो प्रॉपर गेहूं खरीद की जा रही है और ना ही कोई व्यवस्था नजर आती है। किसान बताते हैं कि सरकार ने इस बार 2150 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया, लेकिन गेहूं खरीद के पुख्ता इंतजाम नहीं किया। मच्छर जनित बीमारी मलेरिया को जड़ से खत्म करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लक्सर में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जनचेतना कला मंच के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए मलेरिया बीमारी के लक्षण, रोकथाम, नियंत्रण और इलाज से संबंधित लोगों को जागरूक किया। खबर रामनगर से है, जहां वन विभाग की कोसी रेंज में महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। आपको बता दें, महिला अपने बेटे के साथ रामनगर से बाइक पर घर जा रही थी, जिसके बाद महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामनगर में महिला पर बाघ ने यह हमला किया है, जिसके बाद बेटे के साथ वो घर जा रही थी, बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।